गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी, आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और आज बहुत सर्दी लग रही है, घर की सफाई हो चुकी है और ये देखिए सब कुछ साफ सुथरा मैंने कर लिया है। प्रीतम के पापा कपड़े धो रहे हैं और इधर बाजार भी ला चुके हैं। क्या क्या लाए हैं चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। और ये देखिए लाए हैं कैप्सिकम, फूलगोभी, बीन्स, गाजर तो घर पे है और जो हरी मटर जो है, हरे मटर वो भी है। तो आज बनेगा मिक्स वेज। पनीर तो है ही फ्रिज में, कब से 3-4 दिन हो गए पनीर को लाए हुए। आज मिक्स वेज बनेगा मेरे हिसाब से, मेरे मतलब टेस्ट के हिसाब से। और ये पुदीना और धनिया लाए हैं, धनिया पत्ते, इनकी चटनी बनेगी। क्यों बनेगी बाद में दिखाती हूँ। ये पकौड़े लाए हैं, अभी मुरमुरे खाएंगे हम दोनों, फिर काम पे लगेंगे। और क्या, चलो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी प्रीतम के पापा काम पे लग चुके हैं अपने काम पे, मतलब खाना बनाना। ये पुदीना धनिया काट के रेडी करके दिया है और इधर टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च बॉयल हो रहा है। ये एक साथ मिला के एक चटनी बनेगी। इमली भी जाएगी, नींबू भी जाएगा, थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक बस। और ये एकदम मोमो चटनी जैसी होती है वो बनेगी। किस लिए मैंने बोला ना, थोड़ी देर रुको बताती हूँ किस लिए चटनी बनेगी। ऐसे ही आप चावल के साथ, रोटी के साथ ऐसे खा सकते हो, लेकिन मतलब आज कुछ स्पेशल कारण है इसलिए बन रही है। ये देखिए चटनी बन के तैयार, मतलब जो बॉयल किया वो पहले डाला है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अभी जाएगा पुदीना और धनिया पत्ता। अभी एक बार घुमा देने से चटनी मेरी बन के तैयार। हाँ, इसमें इमली और नमक चीनी डाल दिया है। ये देखिए चटनी मेरी एकदम तैयार। ओह, मुँह में पानी आ रहा है। और आप सोचोगे इतनी सारी मछली, बाप रे 3 तरह की मछली है, मिरिक, गोल्दा चिंगरी और ये तोपसे ना परसे, क्या बोला मैं भूल गई। 3 तरह की मछली और इतने सारे क्यों, किसी रिलेटिव्स ने देकर गए हैं, खरीदा नहीं है अभी। आज ये मिरिक जो काट रहे हैं मेरे हस्बैंड जी वो बनेगा, बाकी गोल्दा और तोपसे या परसे मैं भूल गई। ये देखिए ये तोपसे या परसे कुछ है और गोल्दा चिंगरी उधर उसके नीचे। तो ये दोनों अच्छे से धोकर साफ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि आज तो ऐसे ही पनीर तो बनेगा ही और एक फिश का आइटम भी ज़रूरी है प्रीतम और उसके पापा के लिए, क्योंकि वो उन दोनों को पनीर इतना पसंद नहीं आता। प्रीतम तो खाता ही नहीं, बहुत मुश्किल से खाता है। चलो
उधर मैं बाहर का काम कर रही हूँ, साफ सफाई का काम कर रही थी, और इधर मेरे हस्बैंड जी रसोई के काम पे लग चुके हैं। ये देखिए वो बना रहे हैं मिक्स वेज के लिए, सब कुछ फ्राई करने कर रहे हैं एक एक करके। और मछली जो बनेगी वो बनाएंगे वो बैंगन के साथ। पहले सब कुछ फ्राई करके रख रहा है मेरे, मतलब मुझे आसानी हो इसलिए, फिर वो अपनी मछली बना लेंगे। और ये देखिए एक डिब्बे में मैंने ये पारसे या तोप से, मैं सचमुच नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और मुझे ना इतना मछलियों के बारे में पता नहीं है, रख दिया है। और एक डिब्बे में गोलदा चिंगड़ी, ये रह जाएगा फ्रिज में, और जिस दिन जो बनाएंगे वो निकालेंगे और खाएंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि प्रीतम के पापा ना हो घर पे तो मैं तो निकालूंगी ही नहीं, जिस दिन वो होंगे उस दिन एक एक करके निकालूंगी और खाएंगे। और ये बनेगा आज जो नमक हल्दी लगा के रख दिया है प्रीतम के पापा, ये बना लेंगे अपने हिसाब से। बैंगन और आलू के साथ करी बनेगी, लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसा बना है। तो और क्या, इनको अपना काम करने दो, मैं जाती हूँ नहाने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी नहा धो के आ गई, कपड़े वपड़े धोकर सब सूखने दे दिया है। और एक सब्जी मुझे बनानी है पनीर वाली, और प्रीतम के पापा ने मछली बना दिया है, चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी मछली की सब्जी, मछली करी बैंगन और आलू के साथ, और पनीर काट के रेडी करके रख दिया है। ये बैटर किसके लिए, पनीर पकोड़ा बनेगा इसलिए। तो बहुत तो पनीर थे बहुत सारे, मतलब दोनों के मुकाबले बहुत बहुत ही है, तो इसलिए मैंने बोला कुछ पकोड़ा बना दो और एक सब्जी बनाऊंगी, तो अच्छा भी लगेगा पनीर दो तरीके से खाने में। आज बहुत दिनों बाद मेरे घर में मेरे फेवरेट खाना मेरे हिसाब से बन रहा है। ये देखिए तेल में थोड़ा फोड़न छौंका लगा दिया है, तेज पत्ता, जीरा और हरी मिर्च, फिर प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, कैप्सिकम, टमाटर, अब गया मसाले, हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, सब सब पाउडर मसाले, अब गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही कम मसाले डालो तो अच्छा लगता है, ज़्यादा मसालों से मतलब सब्जियों की जो टेस्ट है वो खराब हो जाती है, बस यही से इसी से हो जाएगा, और कोई मसाले ज़रूरी नहीं है। हाँ लास्ट में जाएगा, ये देखो हरे मटर भी डाल दिया अभी। हाँ लास्ट में काजू किशमिश का जो पेस्ट होता है वो लाता है स्वाद, असली स्वाद। और क्रीम डालो तो और अच्छा लगता है, लेकिन क्रीम नहीं है घर पे तो छोड़ दो, जो नहीं है नहीं है। फिर इनको भून के अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाला था मेरे हस्बैंड जी ने, मैं बताती गई और मेरे हस्बैंड जी बनाते गए। और ये देखो ग्रेवी ग्रेवी अभी हो चुका है, सब मसाले भी मतलब एकदम सब्जियों के अंदर जा चुका है, सब्जी अब बॉयल हो चुकी है। अभी इसमें लास्ट फिनिशिंग है काजू किशमिश का पेस्ट, जो मैं एक साथ ही सिल्वर पे पीस के लाई थी, बस और कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर पनीर तो डाल ही दिया, आप लोग देख ही रहे हो पनीर डाल चुकी हूँ मैं। तो ये जो टेस्ट हुआ था आज, क्या बताऊँ, और ये सब्जी मुझे इतनी पसंद है, और कुछ कुछ ज़रूरत नहीं लगती मुझे जिस दिन ये सब्जी बनता है। और शायद बहुत दिनों बाद ये सब्जी बनाई मैंने, आज दोनों मिलके बनाई, मैं कभी मैंने बनाई कभी उन्होंने बनाई, मतलब कभी मैंने बताया खड़े होकर, नहीं तो अगर मैं हट जाती तो वो अपने हिसाब से चलाने लगते तो टेस्ट बिगड़ जाता। मुझे अपना टेस्ट चाहिए, बस मेरे हिसाब से ये सब्जी बननी चाहिए बस। तो जी खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड जी ला रहे हैं गैस लगाने के लिए, सिलेंडर लगाने के लिए। ये देखिए गया गया गया, अभी जाएगा तो रेडी कर रहे हैं, क्योंकि गैस सचमुच ही अभी खत्म हो जाएगा। तो जी ये रहे पनीर के पकोड़े, गरम गरम पनीर के पकोड़े हरी चटनी के साथ, जो सुबह बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, और भी पकोड़े बना रहे हैं। मैंने बोला मैं गरम गरम खा लेती हूँ, क्योंकि पकोड़े तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और बाद में उतने अच्छे नहीं लगते। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, घर में बनी हुई चीजों का मजा ही अलग होता है। और सब मेरे हस्बैंड जी बनाए तो और भी स्वादिष्ट, बहुत प्यार से बना के मुझे दिया है, तो खा लेती हूँ बैठ कर। फिर
खाना खाऊंगे थोड़ी देर बाद। देखिए जी, आज अगर मैं बोलूं रोज रोज महाभोज तो क्या गलत होगा? इतना सारा खाना बना है आज और सब बढ़िया एकदम टेस्टी टेस्टी खाने के समय और एक बार दिखाऊंगी थाली सजाकर। अभी भी पकौड़े तले जा रहे हैं। अब किसके है? आलू के दिखाई नहीं दे रही मुझे। लास्ट में जो बैटर बचा था उसको आलू के साथ पकौड़े बना रहे हैं। इसीलिए तो मैं कभी कभी बोलती ना रोज रोज महाभोज हमारे घर में। कल भोज खाया हमने बाहर सचमुच का, अब घर में भी भोज आज। ओके चलो। खा लिया, पांच खाया है, पांच। और रह गया है ये, मतलब रह गया है मतलब उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। उस फिर भी मैंने थाली सजाई है, खाना तो है, भूख तो है। तो चलिए दिखा देती हूँ। गरम गरम चावल, बैंगन भाजी, आलू, आलू के पकौड़े बनाए लास्ट में जो, वो हरी चटनी थोड़ा सा लिया है। और ये है मछली करी, सुबह बनाई थी मेरे हस्बैंड ने। और ये मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी। और क्या चाहिए सचमुच, मुझे मछली बोलो, चिकन बोलो, मटन बोलो, हर चीज़ से मुझे पनीर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारे घर में कम ही बनता है क्योंकि मेरा बेटा तो एकदम नहीं खाता, मेरे पतिदेव भी थोड़ा सा ही पसंद करते हैं। तो इसलिए आज मछली भी बनाई है, दोनों ही बनाई है, क्योंकि मेरा बेटा मछली खाएगा, मेरे पतिदेव भी थोड़ा सा पनीर लेंगे, बाकी मछली के साथ ही खाएंगे। और सचमुच आज दिल खुश कर दिया मेरे हस्बैंड जी ने। अभी चलो खाना खा ली तो बहुत भूख लगी है। तो जी लंच कंप्लीट, प्रीतम के पापा ने भी खा लिया, मैंने पहले खाया फिर उन्होंने खाया। ऐसा ज़्यादातर दिन ही होता है क्योंकि उनको भूख नहीं लगती और मुझे जल्दी भूख लगती है, तो मैं पहले खा ली। तो वो बोलते भी है अगर भूख लगे तो तुम खा लो, मेरा जब भूख लगेगा, मुझे जब भूख लगेगा तब मैं खाऊंगा, मुझे परेशान मत करो, मुझे मतलब ज़बरदस्ती मत करो, जब भूख लगेगा तब मैं बोलूँगा, तुम खाना दे देना, तुम अपने आप खा लो, जाओ जाओ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, ओके, जिसको जब भूख लगे उसको तभी खाना चाहिए, है ना, ज़बरदस्ती क्यों करना। तो सुबह से बहुत काम, आप लोगों ने देखा बहुत सारे काम है, ज़्यादातर आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। ये देखो इतने बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई, बोला ना ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई भी नहीं मैंने, सिर्फ किचन में जो जो हुआ वही ज़्यादा शेयर किया। तो रील्स बनाने का मौका नहीं मिला। अब जाके मैंने मतलब किचन को पूरा साफ कर लिया है, बर्तन धो लिए, सिर्फ प्रीतम का जो खाना है वो रख दिया है। और रात को आज रोटी बनेगी, तो ऐसे ही सब कुछ साफ कर लिया, सब खाली, सिर्फ प्रीतम की जो सब्जी, मछली और चावल है, बस वो तीन बर्तन और क्या। और तो काम तो बहुत होते हैं, सब कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये देखो कपड़े धोना, बर्तन धोना, मसाला जो सिलबट्टे पे मैं पीसती हूँ, आज सारे सिलबट्टे पे ही पीसा है, थोड़े थोड़े मसाले थे तो मिक्सी में तो होगा नहीं। और फिर घर की सफाई, सब कुछ करते करते आज रील्स बनाने का मौका नहीं मिला मुझे। तो सोचा चलो अभी प्रीतम के पापा प्रीतम को लेने गए हैं, तो अभी आधा घंटा है मेरे पास प्रीतम को 3 बजे तक, मतलब उसको नहाना, ये आना नहाना, इसमें उसको 3 बजी जाते हैं, तो अभी 2:30 बजे है, तो 3 बजे तक मैं आधा घंटे में बहुत सारे रील्स बना लूँगी। और ऐसे ही थोड़ा सा ये कान का पहन लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक, और ये गले का एक मंगलसूत्र, और चुंडी को ऐसे लेकर कुछ फेस के ऊपर ही रील्स बना लेती हूँ, फिर प्रीतम आए तो आप लोगों से मिलाती हूँ। चलो। तो प्रीतम के पापा बैठे हैं, उसे खिलाना है, नहीं तो एक सब्जी नहीं खाएगा, पनीर मछली कुछ नहीं खाएगा, इसलिए वो ही बैठे हैं, तो खिला दे। तो जी रील्स बनाना भी कंप्लीट मेरा, और प्रीतम का खाना भी हो गया है। अभी हम रेस्ट करेंगे, प्रीतम का तो ट्यूशन टीचर आएगा, प्रीतम पढ़ने जाएगा, मैं और उसके पापा रेस्ट करेंगे। क्यों प्रीतम, देख लो खोखला को, ओए अभी दोनों मिलकर रील्स बनाएंगे, इसलिए गाना ढूंढ रहे हैं।
तो जी ये देखिए बाप बेटे रील्स बना रहे हैं, मुझे ले नहीं रहे, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रील्स में नहीं आऊंगा, मेरे मतलब अपने रील्स में रहो वही ठीक है, कर लो दोनों मिलकर रील्स बना लो। धूप आ रही है, मैंने बोला कि धूप आ रही है, अच्छा नहीं बन रहा है, धुआं धुआं कैसा लग रहा है, नहीं मुझे बनाना है, उसी में बनाना है, तो बनाओ बनाओ। तो ठीक है चलो जी, आज का वीडियो मैं ही पेन करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उनको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा।